मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और हम सब एकदम रेडी हैं निकलने के लिए, क्योंकि हमको जाना है वृंदावन से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने। और आज जन्माष्टमी है तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, तो हमको टैक्सी ड्राइवर और होटल वाले सब ने मना किया, बट हम लोगों ने मन में श्रद्धा रखी कि जब कान्हा जी ने यहाँ तक बुलाया है, प्रेम मंदिर और बांके बिहारी के इतने अच्छे दर्शन कराए हैं, तो ज़रूर वो कृष्ण जन्मभूमि में भी अच्छे से दर्शन देंगे, ये मन में आस लिए हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर देखो, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब इसकी फिटिंग ना बहुत अच्छा है, और मैं घूम घूम के थोड़ा सा एक्शन वैक्शन मार रही हूं। अभी हमारी कार भी आ चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं। रास्ते में हमको दिखा वैष्णो देवी धाम, जहाँ पे हम लोग कल गए थे। वैसे आप लोगों ने इसके पहले वाले ब्लॉग्स देखे कि नहीं, आगरा फतेहपुर सीकरी एंड वृंदावन वाले, अगर नहीं देखे हैं तो उसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से सारे दर्शन हुए, पूरी डिटेल वीडियो उसमें है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा, और यहाँ पे देखो जगह जगह ना ऐसे टेंट लग रहे हैं भंडारे के लिए, और यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे भंडारे होते हैं, छोटे बड़े हर लेवल पे, मतलब आप यहाँ पे आए हो ना तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, और उसके बाद खाना भी था साथ में, पानी, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। अभी तो बस स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोग पहुँच गए अभी वहाँ पर जहाँ से मतलब लॉकर वगैरह रख के फिर आपको जाना है दर्शन के लिए। तो अपने फ़ोन वगैरह हम लोग रख दिए हैं, और ये मेन चौराहा है, यहीं से राइट लेफ्ट होके ऐसे गेट के थ्रू आपको जाना रहता है, गेट नंबर 1-2 ऐसे। तो हम लोग से लाइन लग रही है,
तो हम लोग तो सुबह जल्दी आए थे, इसलिए हम बहुत लंबी लाइन में नहीं लगे, थोड़ा बहुत तो लगे हैं, बट मज़ा बहुत आई है। देख रहे हो, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और जगह जगह ना भंडारे भी स्टार्ट हो गए हैं, सुबह से स्टार्ट है वैसे। और हम लोगों ने एक जगह नाश्ता किया, बहुत अच्छी कचौड़ी और दम आलू था। तो अभी तो देखते हैं आगे क्या करेंगे, फिलहाल अभी कार में चलते हैं क्योंकि गर्मी यार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे रास्ते में छोटी छोटी ऐसे शॉप भी लगी थी जहाँ पे आपको ना टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे, और किया यहाँ पे अटक गई थी तो उसको हम लोगों ने टॉयज़ दिलाया, फिर आगे बढ़े। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं कहीं पे ना जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो भंडारे स्टार्ट हो चुके थे, बट हमने वहीं पर ब्रेकफास्ट कर लिया था तो हमने नहीं लिया। बट यहाँ की कढ़ाई देखो, और इसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है। फिर हम वहाँ से निकले और हम पहुँच गए मथुरा जंक्शन, क्योंकि हमारी यहीं से ट्रेन है। और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हम पहुँच गए हल्दीराम, और वहाँ पे हमने लिए कुल्हड़ वाली चाय जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब दो कुल्हड़ के बराबर थी, साथ में मसाला डोसा और बिरयानी। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन ना शाम को थी, तो मैं और चंचल हम निकल गए मार्केट के लिए। और हम पहुँच गए होली गेट मार्केट, जो कि मथुरा का मेन मार्केट है। तो हमने कहा यार दो घंटे स्टेशन में बैठने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा चलते हैं। और वहाँ पर हमने देखा ये बहुत ही प्यारी प्यारी इससे सैंडल जिया के लिए देख रहे थे, बट ये कलर में थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा चाहिए था, वो नहीं मिला। और यहाँ पे भी भंडारे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, मतलब पूरे मथुरा में भंडारे की बहार थी। फिर हमको एक ना ऐसे ठेले पे दिखा ये कान्हा जी के जो है ड्रेस, हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारी ड्रेस ली, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस थी। तो ये है जो हम लोगों ने ली है 8-10 पीस, जो कि सारी बहुत सुंदर। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम और आगे गए, और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना कढ़ा, जो बोलते कढ़ाई जो थी बड़ी वाली, उसको कढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें ना एक बार में 5 मन बनता है, आपको जो 5 मन सब्जी के साथ कितना राइस और कितनी पूड़ियाँ बनती होंगी। तो बहुत बड़े लेवल पे भंडारा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे और भी शॉप थी जहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी, और मैंने यहाँ से ना झूला भी लिया है मम्मी के लिए, और 2 झूले लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए द्वारकाधीश टेम्पल, रास्ते में पड़ गया तो हमने वहाँ भी माथा टेका, क्योंकि मंदिर ना शाम को खुलने वाला था 7 बजे, और हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की, तो इसलिए हम माथा टेक के चले आए। हमने वहाँ से खाना भी एक जगह से पैक कराया, पूछ के कि कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, हमने अपना डिनर पैक कराया। और अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, ये वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट में जय श्री कृष्णा लिखो। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।